यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरर्स इन मशीन लर्निंग के बारे में, यानी कि मशीन लर्निंग में किस किस तरीके के एरर आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। मशीन लर्निंग में लगभग चार अलग अलग तरह के एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो चार अलग अलग तरीके के एरर हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इनके जो दो बेसिक टाइप होंगे, एक होगा आपका रिड्यूसिबल एरर, एक होगा रिड्यूसिबल एरर, यानी कि इसको आप कम कर सकते हो, है ना, ये रिड्यूस हो सकता है, इसको बोल रहे हैं रिड्यूसिबल एरर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप है इसमें, वो है इर रिड्यूसिबल एरर। जो रिड्यूसिबल एरर होता है, यानी कि ऐसा एरर जिसको कम किया जा सकता है, ये रिड्यूसिबल एरर टू टाइप्स का होता है, जिसमें से एक होता है बायस एरर और दूसरा होता है वेरिएंस एरर। बायस और वेरिएंस दोनों को एक तरीके के एरर्स में काउंट किया जाता है। इसके अलावा यदि हम रिड्यूसिबल एरर के बारे में बात करें, तो जो रिड्यूसिबल एरर होता है, इस रिड्यूसिबल एरर को यदि आप रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूसिबल एरर में यदि आप एरर को रिड्यूस कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, मॉडल का जो एक्यूरेसी है, यानी कि क्लासिफिकेशन मॉडल के जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और इस तरीके के एरर्स को, यानी कि रिड्यूसिबल एरर को, दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से एक है बायस और दूसरा है वेरिएंस। नेक्स्ट जो एरर है वो है आपका इररिड्यूसिबल एरर, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। ऐसा एरर जिसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिसे कम नहीं किया जा सकता। दोनों ही तरह के एरर्स को जो है हटाया नहीं जा सकता, प्रॉपरली पूरे 100% हटाया नहीं जा सकता, चाहे वो रिड्यूसिबल एरर हो या फिर इररिड्यूसिबल एरर हो। जो इररिड्यूसिबल एरर होता है, ये हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, जो भी आप क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएंगे उसमें ये हमेशा प्रेजेंट होता है। कोई भी आप एल्गोरिथम यूज़ करें उसमें इररिड्यूसिबल एरर जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट होगा। जो इररिड्यूसिबल एरर का जो रीज़न होता है, वो रीज़न क्या होता है, अननोन होता है, यानी कि पता नहीं होता है, अननोन होता है। और इसका जो कॉज होता है या रीज़न होता है, वो अननोन होता है। अननोन यानी कि एक अननोन वेरिएबल हो सकता है, और उस अननोन वेरिएबल के वैल्यू को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे बोला जाता है इररिड्यूसिबल एरर।